नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं घनश्याम। चेहरे की भाव भंगिमाएं और संवादों का डपा तुला प्रदर्शन, अभिनय और संवादों के जरिए सामाजिक सरोकारों पर चोट करने की शक्ति, कुछ ऐसी ही है रंगमंच की दुनिया। और ऐसी ही दुनिया से आज मशहूर शख्सियत नईमा उप्रेती हैं, लेडीज स्पेशल की खास मेहमान। बात कर रहा हूँ नईमा उप्रेती की। नईमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेडीज स्पेशल में। नईमा जी, सबसे पहले सवाल जो मेरे जहन में आता है, जो ख्याल मेरे मन में आता है, नईमा जी का कहाँ बीता बचपन, कहाँ की पढ़ाई लिखाई और क्या कुछ यादें बचपन को लेकर जहन में आती है? मेरा जन्म हुआ अल्मोड़ा, उत्तराखंड, नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर जगह है। वहाँ मेरा जन्म कारखाना बाजार अल्मोड़ा न्याज मंजिल में हुआ जी। और मेरे दादा जो थे वहाँ के मशहूर आदमी थे और मेरे फादर भी। मेरे मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी मदर आई तब हमारे यहाँ परिवार में काफ़ी परिवर्तन आए। जैसे पहले बहुत कट्टर परिवार थे और गाना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मुझे बचपन से गाने का शौक था। तो मेरे गाना सुन के मेरे दादा जो इतने कट्टर थे उनको भी शौक पैदा हो गया। वो मुझे कहते थे बेटा गाना सुना, तो एक गाना वो मुझसे जरूर सुनते थे और मेरे भाई को गवाते थे। वो कहते थे कि मैं अपने भैया को नाच नचाऊंगी, तेरे जोर जोर से कान खींचूंगी। बहुत फिल्मी पुराना गाना था वो, तो वो कहते थे बेटा और जोर से कान खींच, और भाई का बेचारा परेशान हो जाता था, उसके कान खींचते जाते थे। तो मेरा बचपन इस तरह से धीरे धीरे बीत रहा। फिर मैंने एडम गर्ल्स स्कूल में मैं भर्ती हो गई। वहां भी टीचर्स मुझसे गाने वगैरह, मतलब गाने का सिलसिला चलता रहा। और 1953 का दौर जब आपने शुरुआत की, तब क्या क्या दिक्कतें आई? और जैसे कि आप कह रही, उस जमाने में महिलाओं का इस क्षेत्र में काम करना पसंद नहीं किया जाता था, क्या क्या संबोधन होता था आप लोगों को लेकर और किस तरह की दिक्कतें नईमा ने अपनी जिंदगी में झेली? बहुत ज्यादा। शुरू में तो बचपन में जो हम अकेले गाना गाते थे तो उसमें इतनी परेशानी नहीं होती थी। बात को जब हमने स्टेज में सबके साथ गाना शुरू किया तो हमको गाँव में गए तो हमसे कहा हुड़कियानी आई। जी जी, यहाँ तक कि होली में उप्रेती जी के लिए एक कथा था कि हुड़किया अपनी हुड़कियानों के साथ, मतलब इस तरह का मुकाबला हमने किया। वो शब्द सुने फिर भी हम पीछे नहीं। हुड़किया मतलब? हुड़किया मतलब हुड़का बजाने वाले नीचे तबके। नीचे तबके के। तो ये ऊंच नीच इस तरह की औरतों का आना तो बिल्कुल ही मुश्किल काम था। एक्टिंग कभी मैंने पहले नहीं की बिल्कुल। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्त्री पात्र भी पुरुष पात्र करते थे, पीछे से मैं आवाज देती थी। गौरा नाटक हुआ, उसमें किसमें गौरा एक लड़के ने किया और मैंने पीछे से उसके लिए एक गाना गाया। मोहे भाता नहीं है ये मेला, आजा आजा बसंत अकेला। ये लड़के ने एक्टिंग की। ऐसी रामलीलाओं में भगवत जी के, उप्रेती जी के छोटे भाई भगवत अपने एक्टिंग कर रहे हैं और पीछे से चौपाइयां गा रही। कई किरदारों को आपने जीवंत किया होगा मंच पर, कुछ किरदार बहुत जहन के नजदीक भी होंगे, क्या कुछ हमारे दर्शकों के लिए पेश करेंगी आप? जरूर। मैंने शुरू से मैं गाती ही गाती मेन गाना, उसके बाद मैं नेशनल ड्रामा में भर्ती हो गई। जी जी। वहाँ मैंने कई लोगों के साथ काम किया, नसीरुद्दीन शाह आजकल के मशहूर है, इनके साथ। तो उसमें मैंने ओथेलो किया, उसके शब्द तो मुझे याद नहीं है, है ना। उसके बाद मैं पर्वतीय कला केंद्र में मैंने बहुत से नाटक किए और वहाँ ओपेरा होता है, ओपेरा को आप जानते हैं ना। जी जी। नाटकों में तो पात्र जो बोलता है वो सीधा शब्द बोलता है, लेकिन ओपेरा में जो कुछ भी होता है गाकर ही हो जाए है। तो मैंने मंथरा का रोल किया था, बताऊँ आपको? जी बिल्कुल। मंथरा का रोल किया था तो मैं उसको कई को उसको सिखा रही हूँ है कि आप राम को बनवास भेजो। तो वो है, मैं बताती हूँ आपको। क्यों तुम हो भूल बैठी, सुनिए हो राज रानी। क्यों तुम हो भूल बैठी, सुनिए हो राज रानी। कल राम राज पावे, राजा ने मन में ठानी। शंकर भरत को होगा, नहीं पावे राजधानी। महारानी कोप भवन में जाकर मांगो वरदान। रानी राजा भरत बनावो, रानी राजा भरत बनावो। बन राम हुकुम दिखलावो, मन वांछित फल जब पाओ तब ही रहे तुम्हारो मान। महारानी
कोप भवन में जाकर मांगो वरदान। तो आज भी वो ताजगी आवाज में बरकरार है और जो भावभंगिमा है चेहरे पे हम देख सकते हैं बहुत खूब। मोहन जी के साथ शादी की तो एक मुस्लिम परिवार से हिंदू परिवार में, वो भी ब्राह्मण परिवार में, के क्या कुछ था तब चल रहा और किस तरह का सामाजिक रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि ये रिश्ता शायद उस दौर में आसानी से हजम होने वाला तो नहीं था। क्या कुछ आपने झेला उस वक्त, जानना चाहेंगे प्रीति जी के बारे में। जी जी, कैसे मुलाकात हुई, कहां मिले? वो मैं आपको बताती हूँ कि बचपन आपको मैं एडम्स गर्ल्स स्कूल से संगीत गाती थी और मैं कंपटीशन में भाग लेती थी। इसी कंपटीशन में प्रीति जी पढ़ाई करते थे इलाहाबाद में, वहां से आए थे तो उनको जज बनाया। उन्होंने पहली बार मुझे स्टेज पर गाते देखा, मैंने उनको नहीं देखा था और उन्होंने मुझे सेकंड ले लिया। फर्स्ट ना लेके सेकंड, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कौन था ये, मैं तो हमेशा फर्स्ट आती रहती हूँ, मुझे सेकंड कैसे आ गया। सही बात है। अब आपने सुना होगा घस्यारी नृत्य बहुत ही फेमस हो गया, उदय शंकर ने बनाया था। जी जी। उदय शंकर ने वो वहाँ घस्यारा ने आती थी ना, उनका पोज देख के कमर हिलती थी, उस पेज पर उदय शंकर ने डांस बनाया था। तो तारा दत्ती सती साहब वहाँ पर शिक्षा लेते थे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने एडम्स गर्ल्स स्कूल की लड़कियों को घस्यारी नृत्य से सिखाया। तो उपनीति जी को गाने के लिए बुलाया तो वहाँ एक कोई टीचर थी, उसने बोल लिखे और पहली बार मैंने उपनीति जी को गाते सुना। उन्होंने पहला गाना मुझे सिखाया। अब मैं अब बताती हूँ आपको, घा कटड़ जानू हो दीदी, घा कटड़ जानू हो दीदी, घा कटड़ जानू, घा काटूला पुल बाधूला, घर लीजूला हो दीदी, के भालो माँ नीचा हो भागी, म्यारा इजू का देशा, के भालो है नीचा हो भागी, म्यारा इजू का देशा। तो ये घस्यारी नृत्य हमने जगह जगह पेश किया और वो बहुत सफल रहा। पर्वतीय कला केंद्र को भी हमने सिखाया, अब भी करते। इस रिश्ते में जो मोहन उप्रेती जी के साथ आपका बना, हिंदू मुस्लिम, क्या कोई ऐसी बात आई, क्या कुछ कभी झेलना पड़ा इस रिश्ते को लेकर? बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि देखिए शुरू में तो हम लोग एक पार्टनर थे। जी जी। वो मैं, हम लोग दो गाने गाते थे, जैसे पाली रे भिड़ा कुछ घस्यारी है ना, शाली मेरी चल धो शाली, स्टेज में इनेक्ट करते थे। ऐसे करते चित्रा जगजीत जैसे है ना, वो लोग साथ गाते थे, गाते गाते कब वो एक दूसरे के नजदीक आगे कब शायद ऐसे, हमारा हमको पता भी नहीं चला कि कब। दिक्कतें क्या आई है, दिक्कतें ये आई तो था ही था। मेरे फादर, मेरे घर वाले तो इतने ज्यादा, प्रीति जी के घर वाले बहुत ही ज्यादा, वो तो प्याज तक नहीं खाती थी, इतने वैसे ब्राह्मण थे कि वो, उनको तो मुझे स्वीकार करना कोई सवाल ही नहीं उठता था। दिक्कतें आई लेकिन जो प्यार था वो हासिल हो गया, वो तो रहा, कायम रहा। बहुत सारी बात, उन्होंने मुझे छोड़ा ना, मैंने उन्हें छोड़ा, पर हम भी, इतनी, जी इतनी जी। उनके लिए अच्छी अच्छी लड़कियों के ऑफर आए, मेरे लिए अच्छे अच्छे लड़कों का, हमने किसी को घाट नहीं डाली। चलिए ठीक है, हम भी आपको नहीं छोड़ने वाले, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना होगा, लेकिन नईमा उप्रेती जी से लगातार हम बातें करते रहेंगे, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होते, बने रहिए लेडीज स्पेशल के साथ। जब से घर में लगा है माइक्रोटेक, तब से बहुत याद आता है वो अंधेरा सुहाना। सॉरी। रोज रोज के बहाने क्यों? प्रेगनेंसी के डर से डिम्पा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, एक इंजेक्शन और 3 महीने की छुट्टी। आज भी आना था ना मेरे सोने के बाद, वो 3 महीने बाद। डिम्पा कॉल करें 1-800-1800-555। चल चले
चुनौतियों को चीर की तराश दे। हर रोज की चुनौतियाँ धूप धुआं धूल मेरे बालों को कमजोर नहीं कर सकती, इसीलिए शांति बादाम आंवला, इसका बादाम युक्त तेल दो जड़ों से बालों को दोगुना मजबूती, ताकि मेरे बाल रहे। 50% तक की स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए, स्पेशल स्कॉलरशिप, विन अ जॉब, 5-figure सैलरी जॉब जीतने का सुनहरा मौका, आज ही अपने अपेक्स सेंटर जाइए। दूर झारखंड के गांवों से बिहार के नगरों तक, मध्य प्रदेश की सड़कों से छत्तीसगढ़ के जंगलों तक, उत्तर प्रदेश की सियासत से उत्तराखंड की वादियों तक, मुंबई की रफ्तार से दिल्ली के दरबार तक, सहारा समय के बढ़ते कदम, जहां खबर वहां हम, सहारा समय। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लेडी स्पेशल, और आज हमारी मेहमान है मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नैमा उप्रेती। नैमा जी, बहुत सारी बातें अभी ब्रेक से पहले की, और अब बात करें अगर आंचलिक साहित्य की, तो क्या लगता है कि जब भी लोगों तक पहुंचता है तो सिर्फ मंच के माध्यम से पहुंचता है, और जो मेन स्ट्रीम है रंगमंच, वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्या दिक्कत है आप मानती हैं? वो हमने, जहां तक सवाल है इसका साहित्य का, हमने साहित्य पर बहुत काम किया, पुराने लोक गाथाओं पर बहुत काम। जी जी, आपने जो सुनी होंगी लोक गाथा, जैसे राजूला मालू चाहिए, जी जी, ये चंद, ये अपनी शीला भाटिया का नाम आपने सुना होगा, पंजाबी थिएटर में वो काम करती है। जी जी, तो उन्होंने ये हीर रांझा वगैरह के पुराने गाए, तो हमने राजूला मालू शाही को रंगमंच पे लाए। लोग गाता है, लंबे गाते रहते हैं लोग, गाते विजयन लाल शाह ने उसकी लेख लिखा, और प्रीति जी ने कुछ तो पुरानी धुने रखी, कुछ नई धुन बना के हमने, इस तरह से हम वहाँ के लोक गाथाओं को, मेन हमारा जो एम था कि वहाँ के लोक गाथाओं को लाना, अजबा बफौर, रसिक रमोल, आपने सर नाम नहीं सुनोगे, बड़ी बड़ी कहानियां हैं उसमें, कहीं पर प्रेम का है, कहीं वीर गाथाओं से लेके थी, ये सब हमने वहाँ खुलाए। इसके अलावा हिमांशु जोशी की कगार की आग को भी हमने नाटक किया। राजूला मालू शाही की बात आ रही है तो कुछ जहन में आता है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, राजूला मालू शाही की कुछ लाइनें कुछ याद आती हैं? राजूला मालू शाही में तो मैंने उसकी मदर का रोल किया था, और उसमें बीएम बडोला जो आजकल मशहूर एक्टर है, उन्होंने मालू शाही का रोल किया था, और भारती शर्मा भी आजकल काफी काम कर रही है, उन्होंने राजूला का, मैंने माँ का रोल किया था, तो मैं, मुझे याद आ रहा कि वो छोड़ के जाता है उसको लेने के लिए, तो मैं उससे कहती हूँ, आँखें का उजाला मेरा मैं कैसे करूं लो, बिहार भी तेरे जाना क्या करी देखूं लो, ये उस जब वो जाता है तो उससे बात करती है। आपको रामी बताऊं, रामी को हम, एक वो गीत था, रामी गीत है, उसमें कोई लोग गाथा भी नहीं, एक सीधा सीधा गीत था, उसको जीत सिंह नेगी ने थोड़ा बहुत ड्रामेटाइज किया, और हमने उसको बढ़ाया, विजय लाल शाह ने लिखा, हमने कुछ उसके गाने यूज किए, कुछ और गढ़वाली करके दिया, तो रामी में वो उसका निर्देशन मैंने उप्रेती जी मिलकर, नाट्य निर्देशन पहले हम बीएम शाह से कराते थे, इसका हमने साथ किया। तो रामी का मैं आपको बताती हूँ कि रामी आई है खेतों से, आई इतने में उसका बेटा लौट के आ जाता है, तो वो रामी उसको कहती है कि इसको, इसको हटा, उसके हाथ से थाली खींच लेती है, वो वाला एक्शन मैं बताती हूँ उसको करके। तेरी जीप, ये तेरी जीप जल क्यों ना जाती, ये तेरी जीप जल क्यों ना जाती, सिद्ध बाबा को लाछन लगाती, सिद्ध बाबा को लाछन लगाती, ये उसका मतलब जब उसको कहती है, लड़कियों को डांटती है। जीवन की एल्बम में कौन सी तस्वीर ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा बेहतरीन पाती है, एक सिंगर की, एक एक्टर की, या फिर एक डायरेक्टर की? मेनली सिंगर की, क्योंकि बचपन से मुझे गाने का शौक था, और मैं तो प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, हो नहीं पाया, वो फोक की तरफ जुड़ गए, तो मेनली सिंगर की, तो मैं आपको गाना सुनाऊं? बिल्कुल। मैं काफी फेमस हुआ है ये गाना, एक तो फेमस हुआ है बेरूपा को, जी जी, उससे शुरू करती हूँ।
बिल्कुल, वो उसकी धुन बहुत धीमी थी। मेरे बाप का मालूम नहीं, आपको ये लोकगीत नहीं है, ये लोकगीत बन गया है। उपरीति जी ने कहीं सुना था इसको, किसकी धुन बड़ी स्लो थी। बेरूपा को बारा मासा, इस तरह की धुन थी। जी, जी। उसको थोड़ी द्रुत गति दे दी उपरीति जी, हो जाए। बेरूपा को बारो मासा, हुनर का कृपा कुचेता, मेरी छैला रुण भूरा दिन आया। और अब जब इतना सब कुछ हाईटेक हो गया, तो इस बदले बदले रंग रूप को किस तरह से आप सोचती हैं, किस तरह से आप पाती हैं? उसमें ये होता है ना कि आप साउंड इफेक्ट्स, ये लाइटिंग, सिंपल सिंपल लाइटिंग होती, अब वो पानी में हो रहा है, धुआं छोड़ रहे हैं, ये उससे मतलब वो जो आत्मा जो है थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है। जो सिंपल पहले जो था उसमें, जो पूरा नाटक में जो थी बात, मतलब आज का जो जनरेशन है वो पुराने, उसको जब हम नौटंकी गान सुनाना शुरू कर दे तो बोला, आप सबने सराहा मेरे नृत्य को, मेरा गाना सभा में सभी को रुचा, पर अतिथि जो पधारे आज बड़े दूर से, उनका दिन का प्रदर्शन अभी है बचा। ये गाते थे लोग पूरे आवाज में नौटंकी वाले ना, और लोग इंजॉय अब नहीं कर पाएंगे, उसको लंबा लंबा जाता है ना, अब वो उसकी जगह मतलब काफी कुछ और चीजें मिल गई है। तो खैर बदलाव में ये होता है कि अच्छा भी होता है, दोनों चीजें बदलाव के साथ साथ चलती जाती है। मोहन उपेदी जी की बात करते हैं तो रंगमंच का एक बहुत ही सशक्त और मजबूत स्तंभ, उनके साथ कोई जहन में आती है कोई याद, कोई किरदार या फिर कोई गाना जो उस यादों के झरोखे में आपको फिर से लेके जाता है, मोहन उपेति जी को लेके और वो कोई गाना? उनको देख के एक गाना याद आता जी, सुनाइए। पारा भीड़ा को चे भागे सोसो मुरली बाजगे, पारा भीड़ा को छुआ रोड़ झूड़, बेड़ुली बाजगे हो बेड़ुली बाजगे, सवाई को बाला शुवा सवाई को बाला, मेरो हिया भरी ऊंचा मेरो हिया भरी ऊंचा, जैसो ननी ताल भागे सोर सोर मुरली बाजगे। ये गाना उन्होंने मुझे सिखाया था और मैं बचपन से गाती। बहुत खूब, हमेशा की तरह आपकी आवाज की ताजगी आज भी बरकरार है और 72 साल की उम्र में आवाज में जो जोश और जादू है वो वाकई काबिल तारीफ है। मजबूरी है, टीवी की मजबूरी। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, बने रहिए लेडी स्पेशल के साथ। वापस क्यों? मम्मी ने बोला है अब जब कोलगेट का नया पैक सिर्फ 10 रुपए में मिलता है तो कोई और क्यों? तो ये लो तुम्हारा कोलगेट, सिर्फ मेरा नहीं सबका। 10 का कोलगेट सबका कोलगेट। मैं एक महल बनाना चाहता हूँ, जिंदगी भर की मेहनत का फल, ईमानदार और मजबूत, सुकून और मेहमानों से भरा। मैंने सुना है आपकी कंपनी सबकी हेल्प करती है, ये थोड़ा दूर है छोटा भी, पर मेरे लिए तो महल है, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? जरूर, पाइए ACC हेल्प वेबसाइट, हेल्प सेंटर्स या ACC हेल्प वैन से जो पहुंचे आप तक। ACC सीमेंट हेल्प और आपका अपना महल। ओए क्या हो रहा है? लोड कम कर रहा हूँ ताकि ट्रक का माइलेज बढ़े। कुत्ते, एक्स्ट्रा माइल डालोगे तो माइलेज वैसे ही बढ़ेगा ना? अब अपने ट्रक में डालो सिर्फ एक्स्ट्रा माइल सुपर डीजल, माइलेज बढ़ाने का आसान तरीका। एक्स्ट्रा माइल, ज्यादा माइलेज, जबरदस्त परफॉर्मेंस, ओनली फ्रॉम इंडियन ऑयल। चौके, अब टाइड के पैक में 150 ग्राम ज्यादा, ज्यादा टाइड ज्यादा खुशी। ये बैंक जरा कुछ खास है, एक अपना सा एहसास है, ये बैंक जरा कुछ खास है, सुविधाओं का नया जहां यही पहचाने आपके अरमान यही, सोने की चिड़िया सा हिंदुस्तान यही, बुलंदी का विश्वास है, ये बैंक जरा कुछ खास है, 24 घंटे साथ
साथ है। हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सेहत फिट तो सब कुछ है। हर इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी होती है उसकी सेहत। समस्या हड्डी की हो या फिर दिल की या फिर हो महिलाओं की सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी, हर बीमारी का तोड़ जानिए हमारे साथ। देखिए वामा का खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ सारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वामा सह प्रायोजक उकाया बैटरीज, उकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। Microtech, India's most preferred brand. Dr. MPS Memorial College of Business Studies and Hotel Management, Delhi and Agra. Jet Eco Banyan, Twacha ke liye poorn surakshit antibacteria Jet Eco Banyan. RK Group of Educational Institution, Mathura. Ayur Mineral Water. The new Bajaj Pulsar 220 DTSI, the fastest Indian. Everest Masala, Everest Kesar, Shuddh Kesar. Babarchi Vanaspati and Refined Soya Bean Oil. Babarchi khilaiye sab ko richhaiye. FINS Lucknow Prestigious PGDM Program, Future Institute for your professional future. मोटरसाइकिल का वादा कीमत कम थुलाई ज्यादा। और एशिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लखनऊ, द बेस्ट अपकमिंग इंजीनियरिंग कॉलेज एम्पावरिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लेडी स्पेशल। और आज लेडी स्पेशल की स्पेशल लेडी है नैमा उप्रेती, जो सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इतनी सारी शख्सियत एक ही चीज में है, बहुत खूब है। और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं नैमा जी, बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, वहां के कुछ अनुभव और साथ ही साथ दूरदर्शन में आप इतने साल रही, इतने साल काम किया, वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैंने 67-69 में पास किया, तो मैं मेरा ऐसा पीरियड रहा कि उसमें जो वहाँ के मशहूर लोग थे, जैसे कि सुधा शिवपुरी आपने आप जानती होंगी है, बजाज साहब, ये सब रिपर्टरी में थे उस टाइम पर, इन्होंने हमको सिखाया। और ये सुरेखा सीकरी, उत्तरा बावकर, सुरेखा आजकल काफी फेमस हो रही है, ये लोग सब जो थे वो सेकेंड ईयर में थे जब मैं फर्स्ट ईयर में आई। उसके बाद नसरुद्दीन आए, ओमपुरी आए, ये सारा एम के रैना आए, तो मेरा एक्सपीरियंस ये मतलब एस पी एन में रही। और दो साल मैंने पास करने के बाद 2 साल रिपर्टरी में रही, तो मेरे काफी लोग जो कि आजकल बहुत मशहूर है और नेशनल स्कूल ड्रामा का नाम इब्राहिम वकाई साहब का नाम लेते हैं, तो मैं भी उनके स्टूडेंट हूँ और उनके साथ मेरा काफी कुछ जम रहा है। उत्तरा और सुरेखा तो मेरी बहुत प्यारी सहेलियां भी थी। और दूरदर्शन, दूरदर्शन को याद बाद मैंने ये रिपर्टरी खत्म करके फिर मैं 1973 में मैंने दूरदर्शन जो दूरदर्शन हमने अब तो आप बहुत ही एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, हमने जब किया था तो 2 इंच मोटे VTR में रिकॉर्डिंग करते थे और एडिटिंग फैसिलिटी नहीं थी। अगर हम नाटक करेंगे 1.5 घंटे का, तो अगर एक डायलॉग कोई खा गया तो पूरा नाटक रिकॉर्ड करना पड़ता था। उसके बाद 2 इंच VTR में एडिटिंग फैसिलिटी आई, उसके बाद BCN आए, फिर ये आ गया आपका हाई बैंड लो बैंड ये, और अभी बेटा, और अभी आपके तरह। तो इस तरह मतलब पूरा एक्सपीरियंस। और एक बात आपको और बताऊं कि पहला जो कलर प्रोग्राम था वो हमने किया, प्रोड्यूसर शरद दत्त थे और मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट थी, और वो कार्यक्रम साथी साहब ने हमारे साथ बैठ के देखा,
पहला मतलब कलर प्रोग्राम, तो पूरा मैं जी हूँ ब्लैक एंड व्हाइट मीटिया हाई बैंड पूरा दूरदर्शन में 22 साल मैंने जो अनुभव किया, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए, चिल्ड्रेन प्रोग्राम भी, महिला प्रोग्राम भी, म्यूजिक डायरेक्टर सब कुछ, काफी कुछ अनुभव बहुत रहा। रंगमंच की अगर बात करते हैं और पहाड़ी साहित्य की बात करते हैं, इस लोकप्रिय इसके उतना लोकप्रिय नहीं हो पा रहा, क्या कुछ लगता है कि और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, लोगों तक और ज्यादा पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए? हाँ, ज्यादा से ज्यादा मतलब फिल्मों में भी, वैसे राजूला मालू चाय पर कई लोग फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम भी है उसमें कि शायद हम कुछ बन सके, तो ये चीजें फिल्मों में भी आई, फिल्म में ज्यादा प्रॉपर होता सीरियल बने इस पर, कई चीजों पर सीरियल, क्योंकि आजकल ज्यादा इसमें इसको बढ़ाने के लिए आप यही प्रयत्न किया जा सकते हो, इनको ज्यादा से ज्यादा इस मीडिया में लाया जाए। और नई पीढ़ी, और नई पीढ़ी की बात करें, जो नई जनरेशन है उनमें किस तरह का उत्साह आप देखते हैं रंगमंच को लेकर, थिएटर को लेकर? है भी कुछ में, है कुछ में नहीं भी है, कई लोग तो बहुत मतलब साहित्य रहते हैं, काफी कुछ कर रहे हैं इस फील्ड में, कई ज्यादातर सीरियल में इसमें चले जाते हैं, कुछ फिल्मों में चले जाते हैं, लेकिन कब तब भी काफी कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ड्रामा से जो मैं 1969 से जो मैं मेरे साथ थे वो अब तक लगे हुए हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, रैना कर रहे हैं, ये अपने जो डायरेक्टर थे वो कर रहे हैं उससे अंकुर साहब, मतलब ये लोग मतलब सब लगे हुए हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। ये बात नहीं कि थिएटर की ऑडियंस नहीं है, थिएटर की ऑडियंस भी है, लेकिन ये अगर नाटक फिल्मों में भी हो और ये गाथाएं हैं ये हैं उसमें फिल्म में जाए तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो अब बारी है फिर से कुछ सुनने की, कुछ सुनाएंगी? किस किस की क्या सुनाएंगी, फोक में क्या सुनाएंगी, गीत क्या सुनाएंगी बताइए। फोक में मैं आपको सुनाती हूँ लाली मेरा बहुत धारो बोला ओ लाली, ओ लाली नटिया पधानी लाली तिल धारो बोला सवाई को बाला लाली सवाई को बाला मेरो हिया भरी उछो ओ लाली होशिया पधानी लाली जैसो नैनी ताला ओ लाली होशिया पधानी लाली तील धारो बोला। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ड्रामा डिवीजन, दूरदर्शन, बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में और 72 साल आपने निकाल दिए इसी क्षेत्र के लिए, अब क्या कुछ कर रही हैं फुर्सत के लम्हों में, क्या कुछ चला रही हैं? हमें पता चला कि पर्वतीय कला केंद्र भी आप चलाती हैं, क्या कुछ इन दिनों हो रहा है? मैं पर्वतीय कला केंद्र को ही बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसके पीछे लगी हुई हूँ, नए नए कलाकार, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन तक ये बंद नए 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 कलाकार आए, नए नए कार्यक्रम हुए, तो सारा मतलब मैंने सारा अपने जीवन जो है इसी रंगमंच पर ही समर्पित किया हुआ है, और तो कुछ है नहीं। जी, अब प्रोग्राम हमारा है लेडीज स्पेशल, महिलाओं की बात करते हैं, महिला को नईमा कैसे देखती है अपनी जिंदगी में और विमेन पावर को कैसे डिफाइन करती हैं, क्या परिभाषा आपके शब्दों में है, क्या लफ्ज आप देंगी महिला शक्ति को? महिलाओं को मेरा ये है कि मैंने उस जमाने में काम किया जबकि कोई स्टेज में आ ही नहीं सकता जी, जी, उस जमाने से शक्ति आई, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने एक हिंदू ब्राह्मण से विचार किया, तो ये जो हिंदू मुसलमान ये जात पीत है इनसे महिलाओं को उठना चाहिए, राजनीति में भी आना चाहिए महिलाओं को। मैंने राजनीति में भी काम किया, कांग्रेस पार्टी में मेरे फादर उसके प्रमुख थे, उसमें भी किया, तो ये इसमें महिलाएं आएंगी तो महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा समझ सकती है, महिलाएं ज्यादा समझ सकती है और उनका समाधान भी कर सकती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि संगीत में आए, इसमें आए, राजनीति में भी आए, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता बने, जो मतलब देश का उद्धार महिलाएं करे, बहुत कुछ कर सकती है महिलाएं, उनमें बहुत ताकत है, बात नहीं है, महिलाओं पुरुष से आप पीछे नहीं है किसी भी हालत में, आप ये समझिए। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, जो घड़ी की सुइयां है वो बहुत तेज तेज भाग रही है, उनको रोकूंगा, लेकिन आपको शुक्रिया करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कुछ और सुना दें चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए। और सुनाने के लिए अच्छा मैं आपको सुनाती हूँ इंद्र सभा का गाना। जी जी, इंद्र सभा। मैं फिले राजा में पुखराज परी आती है, मैं फिले राजा में पुखराज परी आती है, सारी परियों की वो
सरताज परी आती है, सारी परियों की वो सरताज परी आती है, महफिले राजा में। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने सहारा समय के लिए और खासकर लेडीज स्पेशल के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसे पुराने लोगों को कुछ कहने का, लोगों के सामने रखने का मौका दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की हमारी खास मुलाकात। मुलाकात हो रही थी मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नईमा उप्रेती से। अगर आपकी भी है कोई खास स्टोरी तो आप भी जुड़ सकती हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ। अपने मोबाइल उठाइए, राइट ऑप्शन में जाइए, एसएमएस करिए 59090 पर हमको भेज दीजिए। अगर आप में है कुछ खास बात तो यकीनन हम आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल लेडीज स्पेशल में इतना ही, लेकिन सारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।